नमस्कार पंडित जी। तो दोस्तों ये तो आपने देखा और जाना कि किस तरह से रहेगा आपका इस वर्ष यानी वर्ष 2016। और अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम जानते हैं कि दुनिया में हर चीज़ में लड़कियां कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही हैं। ग्रेजुअली फ्रॉम अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी टुडे इंडिया इज टर्निंग आउट टू बी अ गर्ल और अ वुमन डोमिनेटेड पावर ग्रेजुअली। हम अगर देखें तो हमारे कहीं ना कहीं हमारे अपने भगवानों में भी कितनी सारी ऐसी देवियाँ हैं, ऐसी माएँ हैं जिनको हम पूछते हैं, चाहे वो दुर्गा माँ हो, चाहे वो काली माँ हो या उनके रूप हो। हर जगह भगवान में भी औरतों को बहुत ज़्यादा बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। सिर्फ यही नहीं, अगर अभी हम राशियों की बात करें तो आपने देखा कि कन्या राशि खुद में एक लड़की यानी एक लेडी को ही कहीं ना कहीं सिम्बलाइज करती है। दैट टॉक्स अबाउट हाउ इम्पॉर्टेंट आर वुमेन, हाउ इम्पॉर्टेंट आर फीमेल्स, हाउ इम्पॉर्टेंट आर गर्ल्स टू द सोसाइटी। और इसी बात को कहीं ना कहीं मद्देनज़र रखते हुए पिछले साल हमारे प्रधानमंत्री यानी श्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पूरा ये अध्ययन, ये पूरा प्रोग्राम शुरू। It was a very huge, very big movement that has definitely brought about a lot of change. किस तरह से ये changes रहे, किस तरह से ये आगे बढ़े हैं और किस तरह से हमारी economy में एक impact किया है, इस सब के ऊपर हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर ये अध्ययन क्या है। हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति चिंता का विषय है। देश में प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 943 है। छोटी बच्चियों के संबंध में तो आंकड़े और भी चिंताजनक है। 1 से 6 वर्ष के बच्चों में प्रति हजार बालकों पर बालिकाओं की संख्या मात्र 918 है, जो कि वर्ष 2001 में 927 थी। लेकिन इससे भी दुखद पहलू ये है कि बालकों की तुलना में बालिकाओं का अनुपात पिछले 50 सालों में लगातार घटा है। इन आंकड़ों से ये पता चलता है कि जैसे जैसे देश में साक्षरता दर बढ़ी है, बालिकाओं का प्रतिशत कम हुआ है। यही नहीं, महिलाएं सामाजिक और आर्थिक विकास के सूचकांक में भी पुरुषों के मुकाबले काफी पीछे हैं। जहां पुरुष साक्षरता की दर 82% है, वहीं महिलाओं की साक्षरता इससे बहुत कम यानी 65% ही है। इन्हें दुखद परिस्थितियों को पलटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सुकन्या समृद्धि योजनाओं की शुरुआत की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसको निरंतर बल देना है और इसलिए उसके लिए सामाजिक सुरक्षा भी चाहिए। इस सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 10 साल से कम उम्र की बेटी 1,000 रुपया से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक उसके मां बाप पैसे बैंक में जमा कर सकते हैं और सरकार की तरफ से हिंदुस्तान में किसी भी प्रकार की परंपरा में ब्याज दिया जाता है उससे ज्यादा ब्याज इस बेटी को दिया जाएगा। इस योजना के तहत देश के चुने हुए 100 जिलों में जहां लिंगानुपात सबसे कम है, विशेष अभियान चलाया जा रहा है ताकि लोग इस समस्या की गंभीरता के प्रति जागरूक हों। यही नहीं, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत लोगों को बेटियों की पढ़ाई एवं उनके जीवन की अन्य जरूरतों के लिए विशेष ब्याज दरों पर बचत की सुविधा दी जा रही है ताकि बेटियां परिवार को बोझ न लगे। सरकार तमाम उपाय कर रही है कि देश और समाज में बेटियों और नारी की स्थिति सुधर सके, लेकिन ये केवल सरकार के प्रयासों से पूरा होने वाला काम नहीं है। इसके लिए हम सबको प्रतिबद्ध होकर कार्य करना पड़ेगा। और दोस्तों आज हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसे शख्स जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के साथ काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। ही इज एन एडवाइजर टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, योगेंद्र मलिक जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते साक्षी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छी हूँ, आप बताएं योगेंद्र जी। हमने अपने दर्शकों को भी बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है क्या, उनको इनफैक्ट दिखाया। हम चाहेंगे थोड़ा सा विस्तार में आप बताएं कि ये पूरा अभियान जब प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष शुरू किया तब से लेके अभी तक में ये अभियान क्या रहा है। देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत जैसा सब लोग जानते हैं 22 जनवरी 2015 को पानीपत से माननीय प्रधानमंत्री जी ने की। हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी भी उस समय उसमें वहाँ मौजूद थे। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इसकी शुरुआत पानीपत से हुई।
ऐसे 100 जिलों का चयन माननीय प्रधानमंत्री जी से किया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए, जहां यह अभियान चलेगा उसमें से 12 जिले हरियाणा के अंदर थे जी। इस और इसकी शुरुआत भी इसीलिए पानीपत से हुई। ये फोकस दिखाता है हमारे प्रधानमंत्री जी का, और ये कहते हुए मुझे खुशी हो रही है कि जहां जिस भी मंच से मुख्य प्रधानमंत्री जी जाते हैं वहाँ, चाहे मन की बात हो, चाहे कोई यूएन में उनका भाषण हो, सब जगह वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। और इससे इस जो अभियान उन्होंने शुरू किया था, मैं ये मानता हूँ कि वो एक आंदोलन अब इस देश के अंदर बन गया है। इनफैक्ट दिख भी रहा है, पता भी चल रहा है। लेकिन योगेंद्र जी, अगर देखा जाए अनुमानन 85% आज भी भारत की जो जनता है या भारत की जो आबादी है वो रूरल यानी पिछड़े वर्गों से आती है। ये अभियान दो हिस्सों में देखा जा सकता है, बेटी बचाओ और दूसरा है बेटी पढ़ाओ। तो अगर बेटी बचाओ की हम सबसे पहले बातचीत करते हैं, क्योंकि आप जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं उनके एक एडवाइजर का रोल भी प्ले करते हैं इस पूरे अभियान के अंदर, बेटी बचाओ के अंतर्गत किस तरह की दिक्कतों का आपने शुरुआत में सामना किया, और अगर आज बात करें तो आप कहां पर देखते हैं उन दिक्कतों का, कितना किस हद तक समाधान कहीं ना कहीं मिल चुका है? साक्षी जी, देखिए जब ये अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने की तो आपको अगर उनका भाषण ध्यान हो तो बहुत ही मार्मिक भाषण था। उन्होंने बहुत अपील के साथ मांगा था पूरे भारतवर्ष की जनता से, स्पेसिफिकली हरियाणा की जनता से, कि अब जो बेटियां मारी जा रही थी कोख के अंदर उनको मारना बंद करना चाहिए। तो उनकी अपील का बहुत जबरदस्त असर इस देश के अंदर हुआ। आरंभ में देखिए आप, PCPNDT एक्ट हमारे यहाँ है, MTP एक्ट है हमारे यहाँ, ड्रग्स एक्ट है इन चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए। तो इस अभियान के तहत PCPNDT एक्ट का बहुत कड़ाई से पालन हम हरियाणा के अंदर कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, देखिए कि 12 जिलों में इस अभियान की शुरुआत थी, मुख्यमंत्री जी ने कहा पूरे हरियाणा में चलाओ, क्योंकि एक जगह अगर अल्ट्रासाउंड होने बंद हो जाते हैं तो लोग दूसरी जगह करवाने की सोचते हैं। और अब तो ऐसा होता है कि अल्ट्रासाउंड मशीन की जगह टीवी लगा करके लोग अल्ट्रासाउंड बता करके, गलत सूचनाएं दे करके अबॉर्शन करवाते हैं। तो इस तरह से ये जो सारी, आपको अगर मैं बताऊं तो PCPNDT एक्ट को लागू करने में काफी सारी जो समस्याएं थी उनका सॉल्यूशन हमने कर लिया है। पहले उसके अंदर FIR होने का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन अब हरियाणा के अंदर जितने भी केसेस PCPNDT के अंदर आते हैं उसमें सबके अंदर FIR हम करवाते हैं। और हाँ, और बहुत सारे लोग सलाखों के पीछे भी हैं जो बेटियों को मारने का धंधा, गोरख धंधा शुरू कर रहे हैं। तो बहुत गलत चीज है, तो बहुत ही गलत चीज है। आप एक जान को खत्म कर रहे हैं, वो तो भूल जाए कि वो लड़का है या लड़की, लेकिन आप एक जीव, एक जान को खत्म कर रहे हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा गुनाह है। आपको जान के खुशी होगी कि हमने ऐसे लगभग 100 से भी ज्यादा केसेस रजिस्टर हरियाणा में पिछले 7-8 महीने में किए हैं, और इसके रिजल्ट के कारण अब हरियाणा में एक वातावरण भी बना है, पूरी जनता के अंदर पॉजिटिव वातावरण बना है। सब लोग चाहते हैं कि हाँ, अब ये जो गुनाह है ये बंद होना चाहिए। जनता की तरफ से भी अब ये आवाज़ें आनी शुरू हुई हैं। बहुत सारे जो समाजसेवी संगठन हैं आनंदोत्सव मना रहे हैं, आज लोहड़ी का त्यौहार है, तो हरियाणा के अंदर बहुत सारी संस्थाएँ ऐसी हैं जो बेटियों की लोहड़ी नाम से इस त्यौहार को अब मना रहे हैं। जैसा कि आप पहले जानते होंगे कि ये लड़कों से संबंधित अपने इस त्यौहार को समझा जाता था, लेकिन हरियाणा के अंदर और पूरे देश के अंदर अब एक माहौल है जिसको बेटियों की लोहड़ी के नाम से इस परिवार को मनाया जा रहा है। तो लोहड़ी की आप ही नहीं, पूरे मैं समझता हूँ जेंडर न्यूट्रल सोसाइटी हमारी जो होगी, बेटियों के लिए जो अच्छी सोसाइटी जो होगी, उसका संदेश भी लोहड़ी त्योहार हमारे। और कितनी खूबसूरत बात आपने बोली कि लोहड़ी पहले कहीं ना कहीं एक तरह से पहचाना जाता था कि अगर एक बेटी का जन्म हो रहा है परिवार में तो उसकी खुशी मनाने के लिए, लेकिन अब लोग हरियाणा के अंदर कहीं ना कहीं बेटियों की जो जन्म है उसकी खुशी मनाने के लिए मनाते हैं। वो अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव है, देखा जाए लोगों की सोच में और सोसाइटी में किस तरह से एक बदलाव आ रहा है ग्रेजुअली। दूसरा जो अपने हम देखते हैं इस अभियान के अंदर वो है बेटी पढ़ाओ अभियान। जो है बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत पिछले एक साल के अंदर क्या क्या कहीं ना कहीं डिसीजंस या स्टेप्स लिए गए हैं? देखिए, बेटी पढ़ाओ के लिए जो गाइडलाइंस माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से डिप्टी कमिश्नर्स के लिए आई हैं, उसमें साफ साफ मेंशन है कि अब कम से कम सेकेंडरी लेवल तक हमारी लड़कियां पढ़ें, ऐसा हमको प्रयास करना है, और उनकी एनरोलमेंट हमको बढ़ाते चले जानी है, उनका ड्रॉप आउट कम करना है, उनके लिए जो वातावरण अपने स्कूलों के अंदर होना चाहिए कि भाई हमारे लिए, उनके लिए फंक्शनल टॉयलेट हो, उनके लिए पढ़ाई के लिए अच्छी सुविधाएं हों, उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं। और हमने ऐसे बहुत सारी
योजनाएं चलाई हैं, कोशिशें कर रहे हैं, जैसे बालिका मंच की शुरुआत करी, मन की बात की शुरुआत करी स्कूलों के अंदर, और उसके बाद हमने बेटियों को पढ़ाने, जो ड्रॉप आउट उनका होता था उसको कम करने के लिए एनएसएस एनसीसी का इस्तेमाल किया ताकि वो ड्रॉप आउट कम हो सके। तो एनसीसी के स्टूडेंट, मान लो किसी लड़के को कोई समस्या है और वो उसके कारण स्कूल नहीं आ पा रही है, तो वो एनएसएस के स्टूडेंट्स, एनसीसी के स्टूडेंट्स, इवन हमारे अध्यापक जाकर के पूछते हैं कि आप क्यों ये बच्ची स्कूल में नहीं आ पा रही है। तो इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि कम ज्यादा से ज्यादा लड़कियां जो ड्रॉप होती हैं या उनका एनरोलमेंट है वो बढ़े हरियाणा के अंदर। इसके लिए हम पूरे एक साल से प्रयास कर रहे हैं, उसके पॉजिटिव सकारात्मक कुछ रिजल्ट्स भी आए। बहुत अच्छी बात है। आपने बताया था शुरुआत में कि किस तरह से 100 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये पूरा अभियान शुरू किया गया था, जिसमें से 12 डिस्ट्रिक्ट्स हरियाणा के अंदर थे। तो इन 12 डिस्ट्रिक्ट्स की अगर हम बात करें अब, तो इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आपने कितने पॉजिटिव चेंजेस और किस प्रकार के पॉजिटिव चेंजेस ओवरऑल इस अभियान के अंतर्गत पिछले एक साल के अंदर देखे हैं? देखिए, जो मैं पहले भी कह चुका और बहुत जो सबसे बड़ा सकारात्मक पहलू मैं कहना चाहूँगा कि इस अभियान के कारण हुआ है, वो है लोगों की सोच में एक सकारात्मक बदलाव। यानी लोग अभी बहुत ही कॉन्शियस हो गए हैं इस बारे में कि हमको लड़कियों को आगे बचाना भी है, पढ़ाना भी है और बढ़ाना भी है। हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, तो हम तीनों इन स्टेप्स पे काम कर रहे हैं और इसके काफ़ी अच्छे सकारात्मक परिणाम जनता की ओर से आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है, बहुत सारे सरपंच इसकी होड़ में लगे हैं कि कैसे हमारे गांव अच्छे से बेटियों के लिए सुरक्षित हो जाएं। हाँ, इनफैक्ट बहुत सारी बातें भी मद्देनजर आती हैं, जब आपने भी बताया कि किस काम कर रही है। अब खेल के क्षेत्र में भी अगर हम देखते हैं तो खेल के क्षेत्र में भी लड़कियों ने बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं दंगल मचाया हुआ है। सुब्रतो कप में अभी लड़कियों ने ही जीता है कप। एक बहुत सारे ऐसे जाने माने नाम है जिनको हम जानते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट स्पोर्ट्स, जो हरियाणा से निकल के आई हुई लड़कियां हैं। तो जो बढ़ावा आप देख रहे हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं लोगों की सोच में जो बदलाव आ रहा है, वो किस प्रकार का आप देखते हैं? आप देखिए कि चाहे हम कुछ भी कहें उसके बावजूद हरियाणा के अंदर एक बहुत ही फेमस स्पोर्ट है कुश्ती, और उसमें बहुत बड़े बड़े नाम लड़कियों के हैं हमारे यहाँ। तो फोगाट सिस्टर्स को आप देखें, चार पांच बहनें हैं, सारी की सारी कुश्तियां लड़ती हैं। और उसके बाद जो कि एक समय तक कहा जाता था कि सिर्फ मर्दों का खेल है जी। और हॉकी में देखिए, हमारी टीम में सारी लड़कियां, कितनी सारी लड़कियां हरियाणा की हैं। उसके बाद कबड्डी की टीम हमारी है। तो विभिन्न खेलों में अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छा हरियाणा की लड़कियां कर रही हैं। और ये एक सकारात्मक स्पोर्ट्स के कारण और दूसरे में भी ये मैसेज जाता है कि आप लड़कियां इतना अच्छा कर रही हैं, खेल में इतनी अच्छी हैं, शिक्षा में इतनी अच्छी हैं, तो क्यों ना इनको पैदा होने दिया जाए, बढ़ने दिया जाए। और पॉलिटिकल विल जैसे इतनी स्ट्रांग अभी निकल करके सामने आई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए, तो इसके कारण और लड़कियों की खुद की मेहनत के कारण एक स्थान लड़कियों का अब पर बहुत इन अच्छा सब चीजों के साथ साथ आप कहाँ से देखते हैं कि सबसे बड़ा प्रोत्साहन या मोटिवेशन फैक्टर जो लोगों के अंदर आता है टू सेंड देयर गर्ल चाइल्ड टू स्कूल? बिकॉज अगर देखिए, अभी भी हरियाणा के अंदर भी काफी सारे ऐसे विभाग या ऐसे वर्ग हैं जो बहुत ही पिछड़े हिस्सों से आते हैं, उनको अभी भी खासतौर से बच्चों को तो चलो आप एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन जो मध्यम वर्गीय लोग हैं या मिडिल एज हम कहेंगे बुजुर्ग हैं, उनको पढ़ाया नहीं जा सकता है। तो उनकी तरह की सोच होती है, एक प्रकार की सोच बनी है, उस सोच को बदलने के लिए आप लोग क्या करते हैं ताकि वो अपने परिवार की लड़कियों को बेटियों को स्कूल भेजें, उसके लिए आप कहां से देखते हैं सबसे बड़ा मोटिवेशन या इंस्पिरेशन फैक्टर कहां पैदा करते हैं? देखिए, आप हम उनको बहुत सारे उदाहरण देते हैं, जैसे कल्पना चावला का उदाहरण अगर मैं आपको दूं, तो कल्पना चावला एक हरियाणा की बेटी थी जो अंतरिक्ष में पहुंच गई। तो अगर हम उन बुजुर्गों की आपने बात की, वैसे तो हमारे बुजुर्ग बहुत प्रोग्रेसिव हो गए हैं, अभी हम ये मान के चलते हैं कि बहुत अच्छा वो सोचते हैं, उसके बावजूद जो कुछ हम उनको बताते हैं कि आपकी लड़कियां कितना अच्छा कर रही हैं, देखिए 10वीं का रिजल्ट देखिए, 12वीं का रिजल्ट देखिए, रिजल्ट लड़कियों का अच्छा रहता है, पढ़ने बेशक उनको कम भेजते हों तो रिजल्ट अच्छा करती हैं, खेलों में अच्छा करती हैं, अंतरिक्ष में वो जाती हैं, पढ़ने में लड़कों से आगे रहती हैं। तो ये सब बातें जब उनको बताते हैं और ये बताते हैं कि आप देखिए, लड़कियों के माँ बाप को अब जाना जाने लगा है, तो लड़कियों के नाम से माँ बाप को जाने जाने लगा, ये बहुत बड़ा कदम एक हरियाणा के अंदर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनको ये सब बातें हम अच्छे से बताएं, समझाएं, और जो कस्टम्स हैं हमारे, वो हालांकि पढ़ने से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं एक बहुत जरूरी बात बताना चाहूंगा आपको कि कुआं पूजन, थाली बजाना, ये पहले लड़कियों के लिए होता था, लड़कों के लिए होता था, लेकिन अभी हरियाणा के समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन, आप रोज अखबारों में देखेंगे कि लड़कियां पैदा हो रही हैं तो लोग थाली बजा करके नृत्य कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, खूब खुश हो रहे हैं। तो इससे एक सकारात्मक परिवर्तन पूरे समाज के अंदर हो रहा है। अच्छा, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और बताइए आप मुझे, बहुत ज़रूरी चीज़ जो होती है वो है सैनिटेशन की, जब बता रहे थे अभी जितनी बातें, सैनिटेशन, हेल्थ और हाइजीन, बेटी पढ़ाओ हो या फिर बेटी बचाओ हो, बहुत
इन दोनों चीज़ों में पर्सनल हाइजीन और सैनिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसको मद्देनजर रखते हुए आप लोगों को किस प्रकार से क्या शिक्षा, क्या जानकारी, किस तरह से जागरूकता पैदा करते हैं, स्पेशली स्कूल्स के अंदर भी टॉयलेट्स की आप बात करते हैं, बच्चे जाते हैं, इवन हॉस्पिटल्स के अंदर जहाँ पे बेबीज को बर्थ दिया जाता है, यहाँ पे सैनिटेशन हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। साक्षी जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाया है और वैसे तो ये समझने में बड़ा कठिन लगता है, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बहुत महत्वपूर्ण अंग टॉयलेट्स हैं, स्कूल के अंदर टॉयलेट, क्योंकि एडोलोसेंट हेल्थ की जिसको जानकारी होगी वो जानते हैं कि एक एडोलोसेंट गर्ल के लिए टॉयलेट का महत्व है, टॉयलेट के साथ साथ बल्कि एक चीज़ और, वो टॉयलेट फंक्शनल टॉयलेट होना चाहिए, तो इसलिए कंसेप्ट आया फंक्शनल टॉयलेट। और आपको जान के खुशी होगी कि हरियाणा में हम लगभग सब स्कूलों में हमने फंक्शनल, एक फंक्शनल टॉयलेट लगभग सब हरियाणा के स्कूलों में है। और जी, और ये उसकी हाइजीन के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं, ये उसकी एनरोलमेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ये उसके ड्रॉप आउट को कम करने भी इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर टॉयलेट नहीं होगे तो सिक्योरिटी की समस्या आती है। और आप देखिए, जब मेंस्ट्रुएशन का पीरियड रहता है बेटियों का, तो उनको पैड बदल करके उसको उस अपना डिस्पोज करना, तो उसके लिए पिट भी होनी चाहिए, तो इतना सब पैकेज जब हम उनको देंगे तो एनरोलमेंट बढ़ेगा, तो ड्रॉप आउट्स कम होगा। ये सब हम प्रयास इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत हम हरियाणा में कर रहे हैं। और इसके अलावा, ये तो बहुत तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने बताई, लेकिन इसके अलावा और क्या क्या प्रयास हैं और क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं जो आपकी गवर्नमेंट ने, या कहना चाहिए प्रधानमंत्री के नीचे रहकर आपके, आप हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने, आप लोगों ने साथ में मिलकर इनिशिएटिव्स लिए हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंदर? मैंने जैसा आपको बताया कि सख्ताई से PCPNDT एक्ट का पालन करना, किसी को भी बेटियों, बेटियां मारने की इजाजत नहीं देनी, दूसरा बेटियों को पढ़ाने के लिए जितनी भी, जैसे आप जानते हैं कि 12वीं क्लास तक सब जगह हमारे यहाँ बेटियों के लिए शिक्षा मुफ्त है, तो सब अपनी बेटियों को वहाँ पढ़ाएं। मिड डे मील आप जानते हैं, उससे पहले अगर हम जाएं प्री स्कूल एजुकेशन में, आंगनवाड़ी में खाने के लिए अच्छा मिलता है, तो उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा हो, इसके लिए भी प्रयास जारी हैं। मिड डे मील में अच्छा खाना बेटियों को मिले, इसके लिए प्रयास जारी हैं। और हमने स्कूल के अंदर, जैसे मैंने पहले बताया, बालिका मंचों की शुरुआत की है, जिससे बहुत सारी लड़कियों के मन की बात निकल कर सामने आती है। हाँ, और गांव में नारी की चौपाल का एक कॉन्सेप्ट हम लेकर के आ रहे हैं। क्या बात है, नारी की चौपाल, ये क्या होगा? ये चौपाल जनरली ऐसा सोचा जाता है कि केवल जहां आदमी बैठ करके इकट्ठे बैठ करके बातें करते हैं, लेकिन हम ऐसा सोच रहे हैं कि अभी नारी की चौपाल कंसेप्ट के अंदर सभी नारियां वहां इकट्ठी हों और अपने जो दुख दर्द हैं वो एक दूसरे से बांट सकें, और जो समाज की बातें हैं उनमें भी उनकी भागीदारी बढ़े, तो इस तरह का एक प्रयास भी हम कर रहे हैं। अभी जनता की भागीदारी इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, और क्योंकि देखिए असल में ये एक सामाजिक आंदोलन है, और लोगों को इसमें जितनी भागीदारी बढ़ेगी उसी से इसके रिजल्ट आने वाले हैं। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि बहुत सारी एनजीओज, मैं एक उदाहरण के रूप में आपको बताना चाहूंगा कि आनंदोत्सव एक कॉन्सेप्ट हम लेकर के आए हैं, जो भारत विकास परिषद ने कहा है कि हम शुरू करेंगे और उन्होंने शुरू कर भी दिया है। जब भी किसी बेटी का घर, किसी जन्म किसी घर में होता है, तो वहां जाकर के वो खुशियां मनाते हैं, कुछ लोग जाकर के कि आपके घर बेटी हुई है, और उसकी दादी से आप थाली बजवाते हैं, तो इससे उस घर के अंदर एक आनंद का माहौल, जैसे जयापुर गांव में प्रधानमंत्री जी ने जो आनंदोत्सव का कॉन्सेप्ट दिया था, उसी को हम रेप्लीकेट हरियाणा के गाँव में कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ इनिशिएटिव्स हरियाणा गवर्नमेंट की ओर से, और उन गाइडलाइंस पे चलते हुए हम मुख्यमंत्री जी की रहनुमाई में हरियाणा के अंदर लागू कर रहे हैं। ब्यूटीफुल, ये तो हम बातचीत कर रहे हैं अभी तक कि क्या इनिशिएटिव्स हरियाणा के अंदर लिए गए, लेकिन अगर हम देश को अब मद्देनजर थोड़ा सा लें पिक्चर के अंदर, ये पूरा एक नेशनल मूवमेंट है, तो एक साल के अंदर आपने देखा होगा, आप जानते भी होंगे, कितने ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस ओवरऑल कंट्री के अंदर आए हैं इस मूवमेंट के अंडर। वो चेंजेस थोड़े से आज हमारे दर्शकों को बताएं कि ओवरऑल देश के अंदर जो 100 डिस्ट्रिक्ट्स थे, ओवरऑल वो किस तरह के चेंजेस आए हैं आज? ये ओवरऑल चेंजेस की अगर हम बात करें जी, तो मैंने जैसे कि कहा है कि पॉलिटिकल विल इस प्रोग्राम के अंदर जैसे दिखी है, और महिलाओं का सम्मान करने का जो जज्बा सब में, सबके अंदर दिखा है, और महिलाओं के प्रति अपराध जो होता है उससे जो रिएक्शन समाज के अंदर आता है, तो इससे हमको पता चलता है कि समाज में अब कितनी जागृति इस बात को लेकर के है कि महिलाओं का स्थान, और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हमारे समाज में महिलाओं का स्थान बराबरी का नहीं, हमसे ऊपर है। अब तो बराबरी की बात तो अभी हम करने लगे, लेकिन हमारा तो स्थान उनका पहले से ही बहुत ऊपर रहा है। दो चीजें मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूँ कि एक तो हम जब इकट्ठे बैठते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि पंचायत में सब
आदमी मर्द ही मर्द रहेंगे, कोई औरत नहीं रहेगी, लेकिन पंचायत शब्द फीमेल है, हाँ, वो मेल से संबंधित नहीं है। अब जैसे हमारी लोकसभा है, लोकसभा स्त्रीवाचक शब्द है, हाँ, पुरुषवाचक शब्द नहीं है। तो और हमारे जितने भी देवी देवता अपने हैं उनमें पहले देवी का नाम आता है फिर देवता का नाम आता है, तो इसलिए ये सब हमारे समाज में पहले से ही रहा है, हम उनको ऊंचे दर्जा देते रहे हैं। लेकिन इस पॉलिटिकल विल के कारण पूरे देश के अंदर, और क्योंकि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी बार बार इन विषयों को छेड़ते हैं, तो इसलिए एक वातावरण इस देश के अंदर बन रहा है कि अब हमको बेटियों को बचाना भी है, बढ़ाना भी है और पढ़ाना भी है। हाँ, और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे पहले सोच बदली जाए। सोच बदलेगी तो अपने आप बेटियाँ बचाई जाएंगी, बेटियों को पढ़ाया भी जाएगा, एजुकेशन भी दिया जाएगा, पर्सनल हाइजीन सैनिटेशन के मामले में जो चीज़ें हैं वो भी आएंगी। हरियाणा की आप बात करें क्योंकि आप हरियाणा के साथ पिछले एक साल से जुड़े हुए हैं, तो आपने काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस देखे हैं। भारत की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे अभी पिछड़े वर्ग हैं जहाँ पर लोगों की सोच को बदलने के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, सिर्फ यही नहीं इससे 10 कदम आगे जाकर भी। वहाँ के हिस्सों के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है आज? देखिए, बहुत सारी योजनाएं, जैसे आपको ध्यान होगा 22 जनवरी को ही सुकन्या समृद्धि योजना शुरू हुई थी, बच्चियों की पढ़ाई फ्री में, बच्चियों की जितनी भी पढ़ाई है वो फ्री में। आप भी जुड़े हुए हैं, राइट? जी जी। तो ये पूरे के पूरे देश में इस तरह की जो स्कीम्स हैं वो बिल्कुल डाउन अंडर परकुलेट हो जाएं, यही इस अभियान का उद्देश्य है। तो जितनी भी स्कीम्स हमारी चल रही हैं सेंटर के माध्यम से, सेंटर की मिनिस्ट्री से, थोड़ा सा उन स्कीम्स के बारे में बताएं जिनके साथ आप भी जुड़े हुए हैं, जो गर्ल चाइल्ड और गर्ल पावर को लेकर और गर्ल एजुकेशन को लेकर जुड़ी हुई है। देखिए, हमारे यहाँ एक आपकी बेटी हमारी बेटी स्कीम है, लाडली स्कीम है, सुकन्या समृद्धि योजना है, जिसके अंदर हम अपनी बेटी का खाता खुलवा सकते हैं और उसमें ब्याज बाकी सब जो स्कीम्स हैं उनसे अधिक मिलता है। तो ये इस तरह के बहुत सारे स्टेप्स हमारी सरकार ने लिए हुए हैं। और जो स्कीम्स की बात करें तो हमारे जो हमारी जो महिलाएं हैं उनके प्रति जो बढ़ती हुए अपराध थे उनको रोकने के लिए भी बहुत सारे कानून और पोक्सो एक्ट, एक हमारा आपको पता ही होगा, वो उसका भी बहुत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में बहुत अहम रोल है। तो इन सब एक्ट्स को भी और इन सब योजनाओं को एक साथ लागू करने का प्रयास सरकार कर रही है, जो कि बहुत ही प्रशंसनीय और सराहनीय कार्य है। ब्यूटीफुल। एक साल के अंदर अगर आप देखेंगे, हम आपसे पूछा एक मुआयना करें आप, तो आप कितना कहेंगे 100% में से कहां तक आप लोगों ने अपना एक कहते हैं कि अचीव किया है, एक स्टेप या एक पायदान आपने कंप्लीट किया है, किस प्रतिशत तक आप कहेंगे कि आपको सफलता मिली अभी? जी, सफलता कितनी मिली वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारी तरफ से 100% इसको सफल करने के लिए प्रयास हो रहे हैं। तो प्रयासों के तरफ से मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि हम जितना प्रयास कर सकते हैं उतना प्रयास कर रहे हैं। सफलता का तो मुझे लगता है कोई ऐसा मानक हो, लेकिन जब आप हरियाणा की जैसे बात करते हैं जहाँ से आप, जिसके साथ आप अभी एसोसिएटेड हैं, बेटी पढ़ाओ अभियान जो है उसके अंदर करीबन आज आपके हरियाणा में कितने स्कूल्स मिलेंगे जहां पर ये अभियान पूरी तरह से चलाया जाए? अनुमानन अगर पूछा जाए तो कितने ऐसे स्कूल खुले हैं इसके अंदर? आपको जान के खुशी होगी कि हमारे हरियाणा के अंदर लगभग 100% स्कूलों के अंदर ये अभियान पहुंच चुका है। बहुत ही कम स्कूल ऐसे होंगे, परसेंटेज की उसमें कहूँ तो आप 95 से अबो मान सकते हैं जहाँ पहुँच गया है। सब स्कूलों के बाहर हरियाणा में अगर आप जाएंगे तो आपको लोगो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का लोगो मिलेगा। सब स्कूलों के अंदर मन की बात शुरू हो गई है, जहाँ महिला टीचर हैं वो महिला टीचर से अपनी बेटियों मन की बात करती हैं। हर स्कूल के अंदर, जैसे मैंने बताया कि फंक्शनल टॉयलेट, एक फंक्शनल टॉयलेट जरूर सब स्कूलों के अंदर है। तो इसलिए बेटी पढ़ाओ के लिए तो मेरे हिसाब से पूरा का पूरा हमारा जो स्ट्रक्चर है फ्री शिक्षा देने से लेकर के और ये सब अभियान, हम लगभग सब जगह पहुंच गए हैं। हाँ, और अगर देखा जाए तो इस पूरी कैंपेन की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो माधुरी दीक्षित खुद है, हु सिंबलाइजेस गर्ल पावर एट द एंड ऑफ द डे, वुमेन पावर एट द एंड ऑफ द डे। इस तरह से आप कितनी और ऐसे इनिशिएटिव्स देखते हैं, कितनी सारी हमारी हॉकी की जो टीम की जो कैप्टन है वो खुद भी अगर हम बात करें, शी इज ऑल्सो द रानी की अगर हम बात करते हैं, उसके साथ जो फोगट सिस्टर्स जिसकी आपने भी बातचीत करी, बहुत सारी ऐसी गर्ल्स हैं जो एक तरह से देखा जाए तो आज एक सिंबल, एक आइडल बनकर कहीं ना कहीं उभर रही हैं। तो क्या आपको लगता है इस तरह की और क्या इनिशिएटिव्स होने चाहिए जो कहीं ना कहीं लोगों को इंस्पायर करें कि दे लुक अप टू अ वुमन एंड दे से दैट दिस इज व्हाट आई विश टू बिकम इन लाइफ? अगर हम देखते हैं सायना नेहवाल, अ वेरी वेरी बिग नेम,
मतलब उन्होंने तो शायद पूरी आंकड़े और पूरा एक नजरिया, एक पूरी शक्ल ही बदल दी है व्हेन यू टॉक अबाउट बैडमिंटन एज अ स्पोर्ट। तो इस तरह की और कैसे इनिशिएटिव्स आप सोचते हैं आने चाहिए जिसमें आप लड़कियों को एक सिंबल बना सकें? देखिए, हमने हरियाणा में लोकल आइकन का एक कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं, यानी आपकी वहीं की लड़की, उसी गांव की लड़की, उसी एरिया की लड़की जिसने बहुत अच्छा किया है खेल में, एजुकेशन में, रिसर्च में, डॉक्टर बनी, इंजीनियर बनी, आईएएस बनी, तो वो लोकल आइकन ज्यादा अपील करता है उस लोकल आदमी को। इसलिए आपने बिल्कुल सही बात की कि इतने बड़े बड़े नाम हैं और इतने बड़े बड़े नाम को हम बड़े जगह पर यूज कर सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे जो नाम हैं, हमारी एक ही बेटियां नहीं, हमारी ऐसी बेटियां भी हैं जिन्होंने 26 जनवरी की परेड में पहली महिला लीडर का खिताब पाया है। ऐसी महिला हमारे यहाँ है जिन्होंने पहली बार एवरेस्ट को फतेह किया है। तो हमेशा से ही औरतें अगर देखा जाए आगे रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसा आउटलुक बनाया गया, एक ऐसा पर्सपेक्टिव बनाया गया है, एक अप्रोच बना दिया गया कि इट्स बीन कॉल्ड मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, लेकिन देखा जाए तो हर चीज में कहीं ना कहीं महिलाएं बहुत आगे रही हैं। एक साल के अंदर तो चलिए इतना कुछ अकम्पलिश हुआ, आने वाले 5 सालों में अगर हम आपसे पूछें तो आप कहाँ देखते हैं ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में कहाँ तक क्या क्या अकम्पलिश करते हो? देखिए, आपने जैसे शब्द यूज किया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जी, साक्षी जी, ये अभियान अब बहुत ही जल्दी जन आंदोलन बन चुका है और बड़ा जन आंदोलन बनने वाला है, और इसके रिजल्ट आप इस प्रकार देखेंगे कि पूरे के पूरे देश के अंदर महिलाओं की जो स्थिति हमको दिखती थी वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। लोगों की सोच में बहुत अच्छा सकारात्मक परिवर्तन इस अभियान के कारण आएगा, ये निश्चित है, और इस अभियान के कारण ही बहुत सारे आंकड़े भी सुधरने वाले हैं धीरे धीरे, जैसे हम प्रयास करेंगे। लोगों का नजरिया बदलेगा, लोगों की सोच बदलेगी सबसे पहले, तो बहुत जरूरी है जी। जैसे जैसे लोगों का नजरिया, सोच इसके प्रति सकारात्मक होती जाएगी, वैसे वैसे बहुत सारा सुधार भारतवर्ष के अंदर महिलाओं को लेकर के आने वाला है और बहुत बड़ा परिवर्तन इस देश के अंदर आने वाला है, माने प्रधानमंत्री जी के इस पॉलिटिकल विल के कारण, माने मुख्यमंत्री जी के पॉलिटिकल विल के कारण बहुत बड़ा एक परिवर्तन आप मेरे हिसाब से इस देखेंगे, देश देखेगा, जरूर देखेगा, देश देखेंगे, जरूर देखेंगे हम। इसके साथ साथ योगेंद्र जी, आप यहाँ पर आए, आपने हमसे आज बातचीत करी, बहुत बहुत शुक्रिया, हमें बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पर आए। आई एम श्योर दैट द कंप्लीट कैंपेन जिसके साथ आप एसोसिएटेड हैं, जो आपकी कहीं ना कहीं विशेष है व्हेन इट कम्स टू द नेशन, व्हेन इट कम्स टू ब्रिंगिंग अबाउट अ चेंज इन द वे We look towards today's women, वो जरूर पूरी होंगी आने वाले 5 वर्षों में। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो दोस्तों, ये तो आपने देखा किस प्रकार से हमने आज बातचीत करी अबाउट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ही नहीं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन हाउ वी लुक टुवर्ड्स द वुमेन ऑफ टुडे। आर पर्सपेक्टिव्स चेंज, आर आउटलुक्स चेंज, हमारा नजरिया बदले, हमारी सोच बदले, और सोच कोई ओवरनाइट या रातों रात नहीं बदलती है, सोच को बदलने में समय लगता है, लेकिन कहते हैं कि कहीं अगर शुरुआत सही हो, अप्रोच सही हो, नियत सही है, और आपका दृश्य या आपका जो कहते हैं लक्ष्य सही है, तो वो सोच ग्रेजुअली बदलेगी। और आने वाले 5 सालों में हमें भी यही उम्मीद है कि हमारे भारत की महिलाएं और अपने आप को सेफ, सिक्योर, फाइनेंशियली सेल्फ डिपेंडेंट एंड सिक्योर कहीं ना कहीं पाएंगी। इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे और अगले सेगमेंट में हम आपको मुलाकात करवाएंगे कुछ ऐसे खास दो लोगों से हु बिलोंग टू द वर्ल्ड ऑफ क्रिएटिविटी। व्हाट क्रिएटिविटी एंड व्हाट वी विल बी टॉकिंग अबाउट, लेट्स राइट नाउ टेक अ शॉर्ट ब्रेक। इस ब्रेक के बाद हम आपके उनसे मुलाकात करवाएंगे। एक अरब से अधिक लोगों का गणतंत्र उत्सव, देश के शौर्य, पराक्रम और सांस्कृतिक विरासत की झांकी, गणतंत्र दिवस परेड। मनाइए गणतंत्र उत्सव, सीधा प्रसारण 26 जनवरी सुबह 9 बजे। और अब हम बातचीत करने वाले हैं यहाँ स्टूडियो के अंदर, इस समय बात करेंगे हम इंडियन आर्ट फेस्टिवल की, एंड टुडे वी हैव टू वेरी क्रिएटिव पीपल ओवर हियर इन द स्टूडियोज जिसके अंदर एसोसिएट होने वाले हैं। वेल, आर्ट इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी, फ्रॉम वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एंड इट्स रोल्स, और उसके साथ साथ हमने आज बातचीत करी कि नया साल कैसा रहेगा, लेकिन अब हम मूव ऑन करेंगे टुवर्ड्स इंडियन आर्ट फेस्टिवल। लेकिन उससे पहले इट्स टाइम येट अगेन टू स्लिप इनटू अ शॉर्ट ब्रेक, बिकॉज वी विल बी बैक विद द इंडियन आर्ट फेस्टिवल आफ्टर दिस।
Indian Art Festival, which talks about contemporary art, which talks about modern art, which talks about Indian art, of course. इस सब के ऊपर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए दो बहुत ही creative people from the world of creativity यहाँ पर मौजूद हैं. It's a pleasure to have them in our studios over here. First of all, we have Mr. Rajendra, who happens to be the organizer and the editor of the Indian Art Festival. आपका बहुत बहुत स्वागत है. नमस्कार. नमस्कार. और इनके साथ दोस्तों हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं आज नित्य दास, जो कि हैं एक आर्टिस्ट खुद और एक एग्जीबिटर भी है.